गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ये वाला पैटर्न बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और इसको ज़्यादा और कम ऊन लगता है बनाने के लिए। तो चलिए पहले पट्टी से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थ्रेड सिक्योर कर लिया अभी 20 स्टिचेस। 1, 2 स्टिचेस लगा लिए। अभी एक स्टिच एक्स्ट्रा और ये जो पहला वाला स्टिच जो है वो छोड़ के दूसरे में डालेंगे पिलर्स। फिर ऐसे ही ऐसे पूरा डाल देंगे इधर तक 20 पिलर्स। तो चलिए डालते हैं। तो गैस ये हमने 20 पिलर्स बना लिए। अभी इसको ऐसे टर्न करेंगे, फिर एक स्टिच, फिर जो इसके ऊपर डालेंगे जो फर्स्ट पिलर है उसके अंदर, तो सेम और एक पिलर सेकेंड पिलर में। तो ऐसे ही हमको 4 पिलर बनाने हैं, एक पिलर के ऊपर एक, ये देखो ऐसे। ऐसे 4 पिलर, फिर 3 स्टिच, 1, 2, 3, फिर हम इधर 3 है उसके ऊपर ऐसे डालेंगे। ऊपर एक पिलर बनाएंगे जो बीच में 2 छोड़ के तीसरे में, और अभी हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टिचेस। फिर इधर हम नीचे 6 पिलर छोड़ के 7th में डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर 7। और फिर 3 स्टिच, 1, 2, 3, फिर हम नीचे 2 छोड़ के तीसरे में डालेंगे। और इधर से हम पिलर बनाएंगे, पिलर्स एक हो गया, ये 2, ये 3 और ये लास्ट 4। इधर इधर पिलर्स 3 बॉक्सेस। और अब थर्ड लाइन, एक स्टिच, इधर सेम 4 पिलर्स, हो गए 4 पिलर्स और 3 स्टिच, 1, 2, 3। और ये जो हमने पिलर डाला था उसके ऊपर फिर अब इधर इसमें हम 6 पिलर्स डालेंगे। इसके अंदर एक हो गया, वो छोड़ के 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6
और अभी ये जो पिलर है उसके ऊपर एक पिलर। और तीन स्टिच, 1 2 3, और इधर पिलर्स, 4 पिलर्स। पिलर्स में हमको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ये देखो, और अब हम ऐसा बॉक्स ऊपर बनाएंगे। फिर फोर पिलर्स, फिर तीन स्टिच, फिर ये जो है इसे फर्स्ट पिलर जो है उसके ऊपर, फिर इधर 7 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला ये जो लास्ट पिलर है उसके ऊपर। फिर 3 स्टिच, 1 2 3, फिर 4 पिलर्स, ऐसे। फिर अभी ऐसा सेम ये पर ऐसे बनाते जाना है। तो पहले कंप्लीट कर लेंगे गाइस। ये बॉर्डर बनने के बाद मैंने इसको बॉर्डर लगाया है साइड में ऐसे, 3-3 स्टिचेस लेके। और अभी हम लोग ये बनाएंगे। इसके लिए पहले हमको स्टार्टिंग में 7 पिलर्स छोड़ने हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7 में छोड़ के 8 में डालना है, लास्ट में भी 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला 8 इधर। इधर हम जॉइंट कर लेंगे धागा। फिर 25 स्टिचेस, 6 7, और फिर इसको इसके अंदर से अभी जो हमने डाला है इसके अंदर से फिर ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। ऐसे हमको 6 बनाना है, 6 सेम 25 स्टिचेस लगा के। तो चलिए बना लेते हैं। तो लास्ट में 6 होने के बाद धागा कट कर लेंगे ऐसे, धागा खींच के ये वाला खींचना है और ये फिर कट कर देना है। तो ये हो गए 6, ये देखो 1 2 3 4 5 6। तो अभी धागा सिक्योर कर लेंगे। फिर ये जो फर्स्ट में है इधर, इधर से हम स्टार्ट करेंगे, धागा ज्वाइंट कर लेंगे पहले। फिर एक स्टिच, इसमें हम 4 पिलर्स बनाएंगे, ये 1 2 3 और ये 4 ऐसे, इसमें 4 पिलर्स बनाने हैं। फिर 2 स्टिच, 1 2, फिर सेकेंड में इधर भी 4 पिलर्स, 1
2, 3, 4 फिर दो स्टिच, फिर इसमें फोर पिलर्स, 1, 2, 3, 4 फिर ऐसे ही सेम इसमें भी बनाना है, तो बना लेते हैं पहले। तो गाइस ये हमने पूरे 6 में बना लिया, 4-4 पिलर्स। अभी हम इसे टर्न करेंगे ऐसा, फिर इधर 3 स्टिच, 1, 2, 3 और ये हम इधर ऊपर डालेंगे, इधर बिना ऐसे धागा लिए हुए ऐसे ही, ये धागा शिफ्ट करने के लिए है ऐसे। तो ये धागा इधर आ गया, तो अभी एक स्टिच, फिर हम इसके अंदर 4 पिलर्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे, फिर दो स्टिच, ये 4 पिलर्स, फिर ऐसे इधर तक डालना है, लास्ट में नहीं डालना है, इधर तक। तो गाइस पहले हम 6 बनाए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये लास्ट में डालना है इधर तक। फिर इसको हम ऐसे टर्न करेंगे, फिर इधर 3 स्टिच, 1, 2, 3 फिर धागा इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, बिना ऐसे लिए नहीं लेना है ऐसे, तो एक पिलर बन जाएगा सिर्फ धागा शिफ्ट करने के लिए। फिर एक स्टिच और अब हम इस पर 4 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 4 पिलर्स। तो ये हो गए 4 और हम फिर टर्न करेंगे ऐसा, फिर स्टिच, 3 स्टिच, धागा शिफ्ट करेंगे, फिर हम इधर बनाएंगे 3 तो ये हो गए 3 और अब हम फिर टर्न करेंगे, फिर 3 स्टिच, फिर धागा शिफ्ट, फिर एक स्टिच, फिर अभी 2 और इसमें 4 पिलर डालेंगे, दो स्टिच, तो हो गए 2। अभी फिर टर्न, 3 स्टिच, 1, 2, 3 फिर धागा शिफ्ट, एक स्टिच, चार और अभी धागा
कट कर लेंगे। ये थोड़ा धागा लंबा ही कट करना है, ज़्यादा शॉर्ट कट नहीं करना है। तो ये बन गया। अभी ये जो बचा हुआ धागा है इसको हम अंदर से ऐसे सेव कर लेंगे। तो गाइस अभी हम बनाएंगे बॉर्डर। ये मैंने ऑलरेडी 6 स्टिचेस लगा दिए हैं और अभी इसको इसमें जॉइंट करेंगे। फिर अभी 3 स्टिच 1 2 3 3 स्टिचेस लगाने इधर और फिर इधर ऐसे जॉइंट करना है। फिर 4 स्टिच 2 3 4 और इसको ये जो हमने अभी डाला है उसके ऐसे अंदर से ही तो हमको साइड में ऐसे डिज़ाइन बनाने के लिए कॉर्नर्स, तो ये कॉर्नर के लिए ऐसे 4 स्टिचेस डाल के इसके अंदर डालने हैं। सेम अभी 3 स्टिच फिर 3 स्टिच फिर अभी 4 स्टिच ऐसे पूरा बनाने हैं। बना देते हैं पहले पूरा। ये देखो ऐसे कॉर्नर पे जो है वो ऐसे डिज़ाइन बनाने हैं। बना लेते हैं पूरा। तो गाइस इधर लास्ट में 3 स्टिच 2 3 तो इसको पहले हम इधर लगाएंगे। इधर जो 6 स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 अब हम इसको ऐसे लास्ट में ज्वाइंट कर लेंगे इधर। फिर ये धागा सिक्योर करके कट कर लेंगे। थोड़ा लंबाई कट करेंगे क्योंकि ऐसे धागा सिक्योर करने के लिए थोड़ा लंबाई कट करेंगे तो अच्छा है, फिर खुलेगा नहीं। तो गाइस ये हो गया, ये देखो। तो हम अभी इधर लगाएंगे बॉल। इधर बीच में मैंने बॉल्स 100 रोल्स लेके बनाए हैं। ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, मीडियम साइज़ के हैं बॉल्स। ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने हैं। तो गाइस ये हो गया हमारा। इधर हमको पहले 7 लाइंस छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 में छोड़ 7 छोड़ के 8 में डालना है और फिर इधर ये दोनों के बीच में गैप जो है वो 11 लाइंस के हैं। 12 में मैंने डाला है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये मैंने 12 में और एक डाला है। ऐसे ही हमको ये बीच का जो गैप है वो 12 रहना चाहिए। तो ये देखो गाइस कंप्लीट हो गया। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।